हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। एंड आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है UPREVNL का सॉल्यूशन, राइट? तो UPREVNL JEE का जो सॉल्यूशन पेपर हुआ है, उस पेपर का हम जो है आज सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं। देखिए, सॉल्यूशन में कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। उन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को मैं कुछ क्वेश्चंस को जो बच्चे स्टूडेंट्स मेरे को भेजे हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करता हूं, राइट? तो यहां पे जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे क्वेश्चंस आए हैं, देखिए। पहला क्वेश्चन आपसे जो बच्चे ने मेरे को भेजा है, वो क्वेश्चन आया है कि जो गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है वो किस पे बेस्ड होता है। अगर हम गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करें तो वो किस पे बेस्ड होता है, ये क्वेश्चन है। तो हम बात करते हैं गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है, गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम। देखिए, गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम की अगर बात करते हैं हम, गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, पहली बात तो इसके रिगार्डिंग हम जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको देखिए डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो जो यूज करते हैं हम, वो एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज करते हैं। और इसका जो हमारे पास जो बेस्ड होता है, कौन साइकिल में बेस्ड होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी साइकिल में बेस्ड है। देखिए, ये जो है जो साइकिल बेस्ड होता है वो होता है रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल। रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल, या तो आंसर होगा रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल, ब्रेटन साइकिल, और या आंसर होगा हमारे पास रिवर्स जूल साइकिल। रिवर्स्ड जूल साइकिल, जूल साइकिल, और तीसरा आंसर हो सकता है रिवर्स्ड जूल साइकिल था हमारे पास, तीसरा आंसर हो सकता है बेल कोलेमैन साइकिल। बेल कोलेमैन साइकिल, बेल कोलेमैन साइकिल। और ये जो नाम है इन पे पूछा है कि इसमें से कौन सी साइकिल पे ये बेस्ड है, ये एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो ऑप्शंस में से जो ऑप्शन होगा, जो चार ऑप्शंस में से आपके पास आंसर होगा, वो या तो रिवर्स ब्रेटन साइकिल होगा, या रिवर्स जूल साइकिल, या बेल कोलेमैन साइकिल, राइट? तो इसको हम जो है क्या बोलते हैं, गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल, जो कि तीन साइकिल पे बेस्ड होता है। तो आपको ये कहां यूज होता है ये भी आपको बताया गया था कि जो ये इसका जो एप्लीकेशन होता है इज इन द एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, राइट? दूसरा पॉइंट आता है कि अगर हम रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल की बात करें, तो देखिए रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल में कुछ सीओपी और लोअर टेम्परेचर गिवन था, तो आपसे पूछा था कि व्हाट इज द हायर टेम्परेचर, राइट? तो आपसे पूछा गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन में सीओपी गिवन था, जो उसको बच्चे को कुछ याद नहीं है एक्चुअल में प्रॉपर डेटा, पर सीओपी गिवन था। और आपसे पूछा है कि आप ये बताइए, रेफ्रिजरेटर का अगर सीओपी गिवन है, तो आप देखिए रेफ्रिजरेटर का सीओपी होता है, उसका फॉर्मूला होता है TL/TH-TL, राइट? रिवर्स्ड जो रेफ्रिजरेटर होता है, जो कार्नोट साइकिल बेस्ड होता है, रिवर्स्ड रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल बेस्ड है अगर रेफ्रिजरेटर, आइडियल रेफ्रिजरेटर, तो उसका जो सीओपी है वो TL/TH-TL होता है। इसमें आपको TL गिवन था और TH की वैल्यू आराम से आप निकाल सकते हैं। इफ द डेटा इज गिवन, देन दिस इज गिवन, एंड TL इज ऑल्सो गिवन, देन हम यहां से TH की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, राइट? तो TH की वैल्यू आसानी से फाइंड हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ऐसा कुछ क्वेश्चन था, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर जो है वो बराबर TL/TH-TL था, तो यहां से हम जो है फाइंड कर सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ TH, राइट? तो ऐसा एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन था कि सीओपी अगर 5 है और रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल पे एक रेफ्रिजरेटर बेस्ड है, तो आपको पूछा है कि व्हाट इज द T2/T1। देखिए क्या क्वेश्चन है, सीओपी जो है किसी रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर का, रेफ्रिजरेटर का जो सीओपी है वो 5 है, जैसे सीओपी इज 5। आपसे पूछता है ये रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल पे बेस्ड है, आपसे पूछता है कि ये रेफ्रिजरेटर है और इसका सीओपी कितना है, 5 है। आपको बताना है कि TH/TL कितना, सॉरी T2/T1 कितना होगा। देखिए अगर हम इस साइकिल को देखें तो यहां पर रहता है T1 इज अ हायर टेम्परेचर, दिस इज अ रेफ्रिजरेटर, एंड दिस इज अ लोअर टेम्परेचर इज T2। तो हम यहां पे कहते हैं कि यहां वर्क इनपुट देना पड़ता है, तो यहां पे जो फॉर्मूला होता है, दिस इज अ सीओपी इज इक्वल टू TL/TH-TL, राइट? दिस वैल्यू इज इक्वल टू कितना आता है, 5। अगर हम TL की वैल्यू देखें, TL की वैल्यू हमारे पास और TH की वैल्यू का रेशियो आपसे पूछा है, तो हम इस वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे। तो TL की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, T2, तो T2 और बराबर में हो जाएगा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 5T1, दिस इज ऑल्सो T1, दिस इज ऑल TH, दिस इज अ हायर टेम्परेचर एंड दिस इज अ लोअर टेम्परेचर, राइट? तो यहां से 5T1 हो जाएगा, माइनस का 5T2 हो जाएगा, राइट? अब आपसे पूछा है कि ये वाली वैल्यू इधर आएगी, तो 6T2 बराबर 5T1,
आपसे क्वेश्चन पूछा है T2 by T1 कितना होगा, राइट? तो T2 by T1 की जो वैल्यू होगी, जिसमें T2 by T1 की अगर वैल्यू निकाले हम, तो T2 by T1 is equal to 5/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/6। और ये वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी T2 by T1। यहां से देखिए, ये इधर आएगा तो 6 हो गया, और ये 5T1 हो गया, तो T2 by T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/6। दिस इज योर आंसर। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि ऑटो साइकिल को कौन सा प्रोसेस होता है, ऑटो साइकिल को हम जो है किस नाम से जानते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन था कि जो ऑटो साइकिल होती है, ऑटो साइकिल को हम किस नाम से और जानते हैं। तो ऑटो साइकिल को हम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहते हैं, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल। दिस इज कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल। अब देखिए, उसने जो बच्चे ने भेजा है ऑटो साइकिल बेस्ड क्वेश्चन था, तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि ऑटो साइकिल जो है उसको हम जो है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहते हैं। अब देखिए, इसमें जो क्वेश्चन आ सकता है वो क्या क्वेश्चन था कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल है या हमारे पास जो हीट एडिशन होता है वो किस पे होता है। देखिए, हीट एडिशन की बात करें तो भी हमारे पास जो है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे होता है, हीट एडिशन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे होता है। और हीट रिजेक्शन की बात करें अगर, तो हीट रिजेक्शन भी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे होता है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, दोनों ही कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे होते हैं, हीट एडिशन भी और हीट रिजेक्शन भी। लेकिन अगर हम तीसरे पॉइंट की तरफ जाएं तो हमारे पास जो कंप्रेशन होता है इसमें, कंप्रेशन वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक होता है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक। और एक्सपांशन भी जो है कैसा होता है, एक्सपांशन भी इसमें रिवर्सिबल एडियाबेटिक होता है, राइट? तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया होगा। और भी मैं इसके बारे में डिटेल बता देता हूं कि एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो 1-r की पावर γ-1 होता है, राइट? तो r इसमें कंप्रेशन रेशियो है, गामा इसमें एडियाबेटिक इंडेक्स है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये था कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू दे रखी है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी कुछ क्वेश्चन गिवन था। देखिए क्वेश्चन एक और बताता हूँ, एक और क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ विच इज नॉट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर अगर किसी फ्लूड फ्लो में प्रॉपर्टीज जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करती हैं तो उस फ्लो को हम क्या बोलते हैं, स्टेडी फ्लो। क्या बोलते हैं उसको, स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो का मतलब क्या है, ऐसा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड एंड वेलोसिटी of the fluid does not change with respect to time at a particular section, that flow is known as a steady flow. तो हम यहाँ पे कहते हैं कि steady flow क्या होगा, ऐसा flow जिसमें velocity with respect to time and दूसरा point कि हमारे पास जो properties हैं वो time के respect में change नहीं करती, तो उसको हम steady flow कहते हैं। ये आपकी definition आपके exam में पूछी गई है जो कि बिल्कुल simple थी। तो यहाँ पे आपको जो है options given थे, unsteady होगा, uniform होगा, laminar होगा, steady होगा, the answer becomes steady, right? नेक्स्ट हमारे पास वो क्वेश्चन था कि अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन था कि व्हाट इज फ्रिक्शन फैक्टर। अगर हम फ्रिक्शन फैक्टर की बात करें, देखिए फ्रिक्शन फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है ये डिपेंड करेगा कि लेमिनार फ्लो के लिए पूछा गया है कि टर्बुलेंट फ्लो के लिए पूछा गया है। अगर फ्रिक्शन फैक्टर की बात करें तो हमारे पास लेमिनार फ्लो के लिए होता है, फॉर स्मूथ पाइप, लेमिनार फ्लो के लिए स्मूथ पाइप, टर्बुलेंट फ्लो के लिए स्मूथ पाइप। अगर लेमिनार फ्लो है, लेमिनार फ्लो है और एक टर्बुलेंट फ्लो है, दोनों के लिए बता देता हूं मैं। टर्बुलेंट फ्लो के लिए देखिए फ्रिक्शन फैक्टर का वैल्यू होता है 64/re, इसमें पाइप हमेशा स्मूथ ही रहता है, तो यहाँ पे f इज इक्वल टू 64/re होता है। और यहाँ पे जो f की वैल्यू होती है 0.316 अपॉन re की पावर 1/4, वेयर re जो है वो रेनॉल्ड नंबर है। re क्या है इसमें, रेनॉल्ड नंबर है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, राइट? तो आपको एक तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना था कि हमारे पास जो क्वेश्चन था वो उसकी वैल्यू हमारे पास याद रखनी है कि क्वेश्चन जो था वो क्या था, 64/re, या हम कह सकते हैं 0.316 अपॉन r की पावर कितना, 1/4, राइट? तो ये दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कुछ आया है फ्रिक्शन फैक्टर का, इससे रिलेटेड आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रिक्शन फैक्टर के बाद। देखिए अब कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर लॉस। अगर हम माइनर लॉस की बात करें तो इनमें से कौन सा माइनर लॉस नहीं है। देखिए माइनर लॉसेस की बात करें तो माइनर लॉसेस किसकी वजह से होते हैं, माइनर लॉसेस होते हैं ड्यू टू पाइप फिटिंग। तो इसमें पूछा है कि माइनर लॉसेस कौन सा नहीं है। देखिए ए ऑप्शन है सडन एनलार्जमेंट, सडन एनलार्जमेंट। देखिए मैं आपको बताता हूं कि जो माइनर लॉसेस होते हैं वो माइनर लॉसेस क्या जो है किसकी वजह से होते हैं, सडन एक्सपांशन, सडन एक्सपांशन, सडन एक्सपांशन कह सकते हैं, दिस इज सडन एक्सपांशन, या एनलार्जमेंट लिख सकते हैं, राइट? एनलार्जमेंट,
दूसरा है सडन कॉन्ट्रैक्शन, सडन कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, और तीसरा है बेंडिंग, बेंडिंग, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन इन पाइप की वजह से माइनर लॉसेस होते हैं, इनलेट में माइनर लॉस होगा एंड एग्जिट में माइनस लॉस होगा, राइट। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो माइनर लॉसेस को शो करते हैं। अब इसमें पूछा है कि विच इज नॉट अ माइनर लॉस, सडन एनलार्जमेंट, सडन कॉन्ट्रैक्शन, फ्रिक्शन या बेंड पाइप। अगर हम बेंडिंग दिखें तो बेंडिंग में हमारे पास माइनर लॉस है, कॉन्ट्रैक्शन में है और एनलार्जमेंट में है। आपसे पूछा है कौन सा नहीं है, तो फ्रिक्शन की वजह से, तो फ्रिक्शन की वजह से जो होता है उसको हम मेजर लॉस कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मेजर लॉसेस कौन से होते हैं हमारे पास, जो किसकी वजह से होते हैं? फ्रिक्शन की वजह से। मेजर लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन किसकी वजह से होते हैं? फ्रिक्शन की वजह से। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, राइट। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, तो इसको अपन आराम से कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था कि अगर हम यहां पे देखें तो क्वेश्चन, देखिए कई सारे बच्चों ने भेज रखे हैं, तो इसमें से मैं क्वेश्चन आपको देख के बता रहा हूं, वन मिनट। देखिए एक क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कि अगर हम VCRS सिस्टम की बात करें, कौन सिस्टम है? दिस इज VCRS सिस्टम। आपसे पूछा गया है कि ये हमारे पास कोई साइकिल है, दिस इज अ VCRS सिस्टम, 1, 2, 3 एंड दिस वन इज 4, आई थिंक दिस वन इज 4, ऐसा कुछ डायग्राम बना रखा है बच्चे ने, राइट। तो आपको पूछता है कि 1 से 2 जो प्रोसेस हो रही है ये क्या है? व्हाट इज 1 से 2? 1 से 2 जो प्रोसेस हो रही है इसको हम क्या बोलते हैं? देखिए 1 से 2 जो प्रोसेस हो रही है इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। ये कंप्रेशन में होती है, दिस इज इन कंप्रेशन एंड दिस इज इन कंडेंसर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड दिस इज एक्सपांशन एंड दिस इज इन इवेपोरेटर। तो ये प्रोसेस 4-1 इवेपोरेटर में है, 1 से 2 कंप्रेशन में है और 2 से 3 जो है कंडेंसर में है, और जो 3 से 4 है दिस इज एक्सपांशन वाल्व, दिस इज पीएच डायग्राम ऑफ दी, दिस इज पीएच डायग्राम ऑफ दी वीसीआरएस, राइट। तो यहां से हमारे पास पूछा है कि 1 से 2 कौन सी प्रोसेस है? दिस इज रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, राइट। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अपने पास था कि 1 TR जो होता है वो किसके बराबर होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कि 1 TR की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 TR। तो हम यहां पे देखें तो 1 TR की जो वैल्यू होती है, आपको याद होगा 1 TR इज इक्वल टू, आपको ऑप्शन बता दूं मैं, 210 किलो जूल पर मिनट होता है, किलो जूल पर मिनट लिख सकते हैं, या 3.5 किलो वाट लिख सकते हैं, 3.52 किलो वाट, दिस 52 किलो वाट, एंड नेक्स्ट वन इज 50 किलो कैलोरी पर मिनट लिख सकते हैं। ये सारी वैल्यूज जो है वो 1 TR की होती हैं, जैसा कि अपन रेगुलर क्लासेस में बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करते हैं, सारे पॉइंट्स बिल्कुल रेगुलर क्लासेस के जो क्लास नोट्स हैं उन्हीं में से आपके क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज बने हैं। तो आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चंस जो है वो रेगुलर क्लासेस या MCQ जो आप सॉल्व किए हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस को डायरेक्टली जो है इसमें से उठा लिया गया है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको डायरेक्टली MCQ या आपके जो क्लासरूम नोट्स हैं उनमें से आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, तो हम यहां पे क्वेश्चन की बात करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आया है, एक मिनट। ये तो क्वेश्चन अपन देख चुके थे कि हमारे पास जो है कौन सा क्वेश्चन है, 1 TR की वैल्यू अपन डिफाइन कर ही चुके हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, देख क्वेश्चन है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल। देखिए क्वेश्चन था इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपको भेजे गए, जो मेरे को किसी स्टूडेंट ने अपने पास जो भेजे, तो मैं यहां पे बात कर रहा था इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन ऑटोमोबाइल। इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो ऑटोमोबाइल का नहीं है, तो हम बात करते हैं ए नंबर की कि इसमें प्रोपेलर शाफ्ट है। देखिए प्रोपेलर शाफ्ट ऑप्शन में है, प्रोपेलर शाफ्ट। दूसरा जो है वो हमारे पास है ब्रेक, दूसरा नंबर क्या है, ब्रेक था ऑप्शन में। तीसरा जो है सी नंबर वो था हमारे पास क्लच,
और डी नंबर जो ऑप्शन था वो था कंप्रेशर। तो आपसे पूछा है कि इसमें से ऑटोमोबाइल का कौन सा पार्ट नहीं है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल का पार्ट नहीं है, ओनली कंप्रेशर। देखिए कंप्रेशर नहीं है, बाकी हमारे पास ब्रेक, प्रोपेलर शाफ्ट और क्लच जो है वो ऑटोमोबाइल में यूज होता है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए ऐसा आया था, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि अगर हम टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन को बाहर से कैसे देख सकते हैं। देखिए टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन में क्या डिफरेंस होता है, टू स्ट्रोक इंजन में हमारे पास पोर्ट लगे होते हैं, तो पोर्ट को आप देख सकते हैं, पोर्ट में हमारे पास जो है जो वाल्व होते हैं वो नहीं होते हैं इन केस ऑफ टू स्ट्रोक इंजन, और फोर स्ट्रोक इंजन में ये वाल्व लगे होते हैं। तो आप टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन को पहचानना था कि जो डायग्राम है वो डायग्राम जो है टू स्ट्रोक इंजन का है कि फोर स्ट्रोक इंजन का है, ऐसा कुछ डायग्राम आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दे रखा था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें हम, तो पूछा था कि कौन सा हमारे पास डायग्राम है और इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास पूछा है कि एक ब्रिटन साइकिल है, जो ब्रिटन साइकिल, देखिए ऐसा क्वेश्चन था कि एक ब्रिटन साइकिल है, और ब्रिटन साइकिल आप जानते ही हैं कि ब्रिटन साइकिल जो है वो कुछ इस प्रकार से रहती है, 1, 2, 3 एंड दिस वन इज 4 एंड दिस वन इज 4, 1, राइट। तो ऐसा कुछ हमारे पास ब्रिटन साइकिल रहता है, दिस इज 4 एंड दिस इज 1, दो देयर आर टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ये प्रेशर कांस्टेंट रहता है और यहाँ पर रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन होता है, एक में रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा, बट ये दोनों प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबेटिक होंगे, दिस आर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेसेस, बोथ आर रिवर्सिबल एडियाबेटिक एंड बोथ आर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होता है और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट क्या होती है, रिजेक्ट होती है, राइट। तो ये ऐसा पीवी डायग्राम होता है इन केस ऑफ अगर अपन ब्रिटन साइकिल की बात करें। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, कि आपसे पूछा है कि ब्रिटन साइकिल में ऐसा है तो आप बताइए कि जो जो प्रोसेस है वो कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन करेक्ट कौन सा है। तो 1 से 2 में रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन है, कहीं कहीं ऑप्शन में दे रखा हुआ 1 से 2 जो है वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन है, ऐसा दे रखा हुआ तो गलत है। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन और ये 4 to 1 जो है वो हमारे पास क्या है, आइसोबारिक हीट रिजेक्शन। तो हम कह सकते हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर 2 से 3 के बीच में है और 4 से 1 के बीच में, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम हमसे ये भी पूछा होता कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ब्रिटन साइकिल, तो एफिशिएंसी ऑफ द ब्रिटन साइकिल होता है 1 - 1 - 1/RP की पावर γ - 1/γ, वेयर आरपी इज अ प्रेशर रेशियो और गामा इज अ रेडियोमेट्रिक इंडेक्स, ऐसा क्वेश्चन भी आया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है कि एक्सपांशन डिवाइस किस किस के बीच में लगी होती है VCRS में। क्वेश्चन था कि जो VCRS सिस्टम होता है, VCRS सिस्टम, दिस इज अ पीवी डायग्राम, अगर हम देखें तो VCRS सिस्टम जो होता है, अगर हम TS देख लेते हैं, TS ज्यादा सिंपल है, अगर हम TS डायग्राम देखें तो TS डायग्राम कुछ इस प्रकार से रहता है, और हमने ये बताया था अभी कि 1 से 2 जो प्रोसेस होती है इसको कांस्टेंट एंट्रोपी कंप्रेशन प्रोसेस कहते हैं, 2 से 3 में कंडेंसर लगा होता है, 3 से 4 में जो है वो थ्रॉटल वाल्व रहता है, एक्सपांशन डिवाइस, और फिर 4 से 1। आपसे पूछा है कि इस डायग्राम में आप ये बताइए कि जो एक्सपांशन डिवाइस है वो किस किस के बीच में लगी है। देखिए यहाँ कंडेंसर है, दिस इज कंडेंसर एंड दिस इज इवेपोरेटर एंड दिस वन इज कंप्रेशर एंड दिस इज एक्सपांशन डिवाइस। तो एक्सपांशन डिवाइस जो लगी है वो किस किस के बीच में लगी है, दिस इज अ कंडेंसर एंड दिस वन इज इवेपोरेटर। तो आंसर हो जाएगा आपका कंडेंसर एंड इवेपोरेटर, राइट। बहुत आसान सा क्वेश्चन था कि कंडेंसर एंड इवेपोरेटर इज योर आंसर, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन था वो हम डिस्कस करते हैं अभी। देखिए एक क्वेश्चन और आया था कि अगर हम यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन क्या था, देखिए कि हमारे पास जो स्पेसिफिक वेट है, क्वेश्चन था कि स्पेसिफिक वेट जो है वो 30 kN है। स्पेसिफिक वेट कितना है, वेट 30 kN है, वेट 30 kN है, वॉल्यूम जो है वो 4 m³ होगा, 4 m³ दे रखा है। आपसे पूछा है कि फाइंड द डेंसिटी, रो कितना होगा, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है। तो अपन ने देखा था कि W इज इक्वल टू W बाई, दिस इज W, कैपिटल W, दिस इज कैपिटल W इज वेट एंड W बाई क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम, एंड दिस ऑल्सो इक्वल टू रो इंटू जी, राइट। तो ये आप यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे रो इज इक्वल टू W अपॉन V इंटू क्या हो जाएगा, जी, वेयर W इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 30 kN, 30 kN मतलब 10³, एंड वॉट इज अर वी, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 4 m³, वॉल्यूम कितना है 4 m³। और अगर जी की बात करें हम तो जी कितना है हमारे पास, दिस इज 9.81, राइट, या 10 ले सकते हैं, तो 10 से आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। तो 10 से हम यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं
जी की वैल्यू 10 रहे तो 3 हमारे पास ही आ जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 3 इंटू में 1000 और डिवाइड बाय 4, राइट। तो 4 से अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिवाइड करते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 250, और 250 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 750 केजी पर मीटर क्यूब आ जाएगा, राइट। कितना आंसर आ जाएगा? 750 केजी पर मीटर क्यूब इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जो आपको दे रखा है, जिसका वेट आपको कितना दे रखा है, 30 किलो न्यूटन, और वॉल्यूम जो है वो 4 मीटर क्यूब है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर हम यहां पे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डायनेमिक विस्कोसिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल क्या है कि डायनेमिक विस्कोसिटी जो है म्यू जो है, क्वेश्चन में गिवन है टू स्ट्रोक, सॉरी डायनेमिक विस्कोसिटी नहीं काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इज इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज टू स्ट्रोक, आपको टू स्ट्रोक काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रखा है, राइट। और बच्चे ने लिख दिया डायनेमिक विस्कोसिटी, कोई बात नहीं, डायनेमिक जो हमारे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो टू स्ट्रोक है। एक स्ट्रोक में 10^-4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होते हैं, ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, फिर अपने पास कहा गया कि डेंसिटी जो है वो 2000 है, डेंसिटी जो है वो 2000 केजी पर मीटर क्यूब है, डेंसिटी जो है वो कितनी है 2000 केजी पर मीटर क्यूब। देन फाइंड द विस्कोसिटी, तो हमने कहा विस्कोसिटी को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो विस्कोसिटी को फाइंड करने के लिए हमने बताया था न्यू इज इक्वल टू क्या लगा सकते हैं आप, म्यू बाय रो, वेयर म्यू जो है वो निकालना है आपको। तो म्यू की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, म्यू इज इक्वल टू न्यू इंटू कितना हो जाएगा रो, राइट। व्हाट इज न्यू, न्यू का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 × 10^-4, दिस इज मीटर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। व्हाट इज रो, रो दे रखा है आपको 2000, ठीक है। तो 2000 से अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 4000 इनटू में हमारे पास 10^-4 हो जाएगा, दिस वैल्यू बिकम्स 0.4, कितना आएगा अपने पास, दिस वैल्यू बिकम्स इन न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, राइट, ये यूनिट आ जाएगी। तो हम यहां से म्यू की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, और म्यू की वैल्यू आपको पूछी है व्हाट इज इन पॉइज, तो पॉइज में जब निकालेंगे तो आप इसको वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 पॉइज। जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, तो ये एग्जाम में बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था जिसको हमने डिस्कस किया है। और फिर नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन भेज रहा है बच्चा वो था कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट डायमेंशन क्या होता है, तो आपके पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी उस बच्चे ने भेजा है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन था। देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करें तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो न्यू इज इक्वल टू म्यू बाय रो होता है, और इसकी कुछ पॉइंट्स की बात करें तो इसका जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पूछ सकता है, या इसका डायमेंशन पूछा होगा तो डायमेंशन होगा L2T-1, दिस डायमेंशन इज L2T-1, राइट। और 1 m² / s में 10^-4 हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रोक होते हैं, सॉरी प्लस 4, यहां पर कितना रखते हैं अपन, प्लस 4 स्ट्रोक। तो हमारे पास जो वैल्यू होती है वो अगर हम देखें तो ये इतनी स्ट्रोक होती है, अगर सेंटी स्ट्रोक में चेंज करना चाहें तो 10^6 सेंटी स्ट्रोक हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया रिगार्डिंग द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, समझ गए होंगे आई थिंक। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चन थे मैंने जो आपको कराए हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, तो मैंने यहाँ पे सारा एनालिसिस कराया आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए, राइट। एक टर्बाइन से, पेल्टन टर्बाइन से क्वेश्चन आया था, एक और बता देता हूँ। पेल्टन टर्बाइन जो होता है, पेल्टन टर्बाइन, इसकी खासियत होती है, पेल्टन टर्बाइन जो है वो देखिए कितनी खासियत है इसकी, वो सारे पॉइंट बता देता हूं मैं। पेल्टन टर्बाइन जो है वो एक इम्पल्स टर्बाइन है, पहली बात ये इम्पल्स टर्बाइन है, दूसरी बात है कि ये हाई हेड एंड लो स्पेसिफिक स्पीड पे काम करता है, वो लो स्पेसिफिक स्पीड, इसका स्पेसिफिक स्पीड कैसा होता है, लो होता है। नेक्स्ट तीसरा जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है कि टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन है। और लास्ट पैरामीटर है कि अगर हम लास्ट पैरामीटर देखें तो लास्ट पैरामीटर इसका है टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन, और लास्ट पैरामीटर है हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज पे काम करता है, हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं जो पेल्टन टर्बाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको जो इसमें से जो पैरामीटर पूछा गया था इस पेपर में, वो हमारे पास पूछा गया था व्हाट इज द टेंजेंशियल फ्लो, कि पेल्टन टर्बाइन जो है वो कैसा है।
तो एक्सियल फ्लो है, एक्सियल फ्लो होता है कैपलान टर्बाइन। एक्सियल फ्लो कौन सा होता है? एक्सियल फ्लो जो होता है वो होता है कैपलान टर्बाइन, और जो रेडियल फ्लो टर्बाइन होते हैं वो होते हैं फ्रांसिस टर्बाइन, और जो एक्सियल फ्लो टर्बाइन है वो कैपलान, और जो हमारे पास टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन है दिस इज योर पेल्टन टर्बाइन, राइट। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट था और अच्छा क्वेश्चन था, राइट। तो ये ऐसे क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पूछे गए, तो इसको हम जो है बड़े आसानी से सॉल्व किए हैं, और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे एक्चुअल में ये सारे के सारे। तो किसी बच्चे ने, स्टूडेंट्स ने मेरे को भेजे थे, इसका आपको वीडियो आई थिंक मैं मुझे लगा होगा कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच क्लास। नेक्स्ट अपन जो है इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच क्लास। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel, and press the bell icon for the latest updates. Thank you.